हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएड मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको लेकर, और साथ में हमारे माननीय कुशवाहा जी ने जो कमेंट किया है मेरे वीडियो पे कि एमपी की भर्ती सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम पर है सर, पूरा ऑर्डर रीड करें, तो इस पर भी बात करेंगे। क्या जिनकी नियुक्ति हो चुकी है बीएड वालों की वर्ग तीन में, वो बाहर हो सकते हैं? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ऐसी चीज़ कही गई है, ऐसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलें पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की विभिन्न न्यूज़पेपर में क्या अपडेट आई है। तो दोस्तों, जैसे आप देखें, बीएड डिग्री धारी पुराने प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा नहीं, लेकिन ब्रिज कोर्स करना होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीएड की डिग्री के आधार पर वर्षों से नौकरी कर रहे प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी कभी भी खतरे में नहीं पड़ेगी। ये नौकरी करते रहेंगे, लेकिन साथ में इन्हें एक निर्धारित अवधि में ब्रिज कोर्स करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगाए आवेदन पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल को ये कहा। अब यहाँ पर दोस्तों, जो न्यूज़पेपर में अपडेट आई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके आधार पर आई है, और इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगाए आवेदन पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल को ये कहा है। असल में उक्त डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने के कई पिछले एक वर्ष से परेशान थे। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका थी, जिसमें बीएड डिग्री का प्राथमिक शिक्षकों के लिए मान्य न करते हुए बीटीसी और डीएलएड को मान करने और उक्त डिग्री डिप्लोमा धारियों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था। इस बीच एनसीटीई ने एक अधिसूचना निकाली थी, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य माना गया था। ये 2018 में निकली थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका लगाकर आपत्ति जताई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, बल्कि प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए बीटीसी और डीएलएड उम्मीदवार को योग्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के शिक्षक हो गए थे परेशान। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पहले ही बीएड डिग्री धारकों को शासकीय स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयनित किया जा चुका है, और ये वर्षों से नौकरी भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसले के बाद चिंता में पड़ गए थे। मध्य प्रदेश सरकार आई आगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जनवरी 2024 में एक आवेदन दिया था, जिसमें मांग की थी कि उक्त फैसले को पूर्व की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट किया जाए। इस आवेदन में 8 अप्रैल 2024 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगस्त 2023 के पूर्व जो नियुक्ति बीएड डिग्री के आधार पर की जा चुकी है, उन पर उक्त फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से ये बात दर्शाई गई है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्तव्य दिया है उस आधार पर। एक और न्यूज़पेपर में वही अपडेट फिर से है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना होगा जरूरी। ठीक है, ये एक शर्त लगाई गई थी और जो आपके नोटिफिकेशन वर्ग तीन में भी है दोस्तों। हम बिहार की बात करें, पटना की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से 22,000 शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्री धारी को नहीं जाएगी नौकरी। वही पूरी अपडेट जो है बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। जहां प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, ब्रिज कोर्स नहीं तो बीएड वाले बाहर, यानी कि ब्रिज कोर्स करना एक तरह से उन्हें अनिवार्य होगा। वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो फिर बाहर नहीं होंगे, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसके पालन में ये सब बातें विभिन्न न्यूज़पेपर में आई हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग लगातार कमेंट करते हैं कि आउटकम आउटकम आउटकम, तो हम देखते हैं कि आउटकम है क्या। जैसे कि आदरणीय कुशवाहा जी का हमने ये जो है कमेंट लिया है, और ऐसे अधिकांशतः सभी कमेंट करते ही हैं कि आउटकम लिखा हुआ है सर, आप ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर आउटकम का मतलब शायद ये निकाल लिया है कि आउटकम मींस जो भी बीएड वाले हैं वो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे, सुनवाई कुछ भी हो, जजमेंट कुछ भी हो, लेकिन आउटकम जहाँ पर आ गया वो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आउटकम का पहले मतलब समझते हैं। हालांकि जो कुशवाहा जी हैं और उन जैसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो डीएड या डीएलएड धारी हैं और बहुत से बीएड धारी हैं, उनकी अपेक्षा मेरी योग्यता ना के बराबर है। यदि मेरी योग्यता के विषय में जानना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करें, ये मेरी योग्यता है, तो आपकी योग्यता मुझसे कहीं ज़्यादा है। फिर भी जितनी समझ है उस समझ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पूरा की पूरा जो जजमेंट है वो भी पढ़ा है। पहले हम बात करते हैं कि आखिर
जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था राजस्थान में, जो वर्ग तीन में बीएड वाले अलाउ किए गए थे और फिर बाद में जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आपकी वर्ग तीन की वैकेंसी है वो डीएड या डीएलएड धारी के लिए यानी कि होती है दोस्तों, है ना। इसमें बीएड वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि जो कोर्स डिजाइन किया गया था वर्ग तीन में पढ़ाने के लिए वो डीएड या डीएलएड में ही समझाया जाता है। और जब संबंध में सुनवाई चली थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बीएड वाले, एक तो आप स्वयं कह रहे हो कि बीएड जो है वो अपने आप में कंप्लीट कोर्स नहीं, उन्हें भी ब्रिज कोर्स करना होगा ज्वाइनिंग के बाद, तभी वो उस योग्य बन पाएंगे जब वो वर्ग तीन को अध्यापन करा पाएंगे। तो जहाँ पर आप जब ब्रिज कोर्स ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बीएड कोर्स है वो वर्ग तीन के लिए कंप्लीट है ही नहीं, अनकम्प्लीट कोर्स है, तभी तो आप ब्रिज कोर्स करा रहे हो। तो इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आगे जो भी भर्तियाँ होंगी उसमें सिर्फ वर्ग तीन में डीएड डीएलएड वाले ही अलाउ होंगे। लेकिन खतरा उन लोगों के सामने भी उत्पन्न हो गया था जो कि पहले से ही वर्ग तीन में कार्यरत थे, यानी कि इस आदेश के आने के बाद की जो भर्तियां हैं उन पर तो लागू होता, लेकिन पहली भर्तियों पर लागू होगा कि नहीं होगा। तो इस संबंध में फिर सुनवाई जारी हुई और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये देखा कि जो भी क्वालिफाइड हैं, यानी कि एक तो वो नंबर इतने अच्छे लेकर आए हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है मेरिट के आधार पर, सेकंड ये है कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स का एक प्रावधान रखा गया था। हालांकि केस जब दर्ज हुआ था जहाँ पर राजस्थान का केस, तो उस संबंध में ब्रिज कोर्स का ऐसा कोई खाका तैयार नहीं किया गया था कि आप उन्हें कराकर ही ला रहे हो, क्योंकि उस समय तक बीएड का जो ब्रिज कोर्स है 6 महीने का, उसका कोई खाका तैयार इस हिसाब से नहीं किया गया था। लेकिन अब चूंकि वो कराया जा रहा है और कंपलसरी एक तरह से कर दिया कि वो आपको कराना ही होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि ये जो ऑर्डर है बाद की भर्तियों पर लागू होगा, पहले की जो भर्तियां हैं उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि कहीं भी हाई कोर्ट में यदि कोई भी केस लगा हुआ है तो वो जो हाई कोर्ट का अंतिम परिणाम होगा, यानी जो अंतिम आदेश होगा उसके तहत होगा। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगा कि अंतिम आदेश यही होना है हाई कोर्ट का कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो डीएड डीएलएड है वो सीधा जजमेंट पास कर रहे हैं, आप जो है वेट नहीं कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंतिम आदेश का। अब फाइनल जो आउटकम क्या होता है इसे हम गूगल पर डाल के देख लेते हैं, जिससे कि सरल भाषा में वो चीज़ हमें सामने समझ तो आए। तो इसे हम समझते हैं कि फाइनल आउटकम कोर्ट ऑर्डर में आखिर होता क्या है, तो इसका हिंदी अनुवाद है न्यायालय के आदेश का अंतिम परिणाम, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन क्यों डाली है इस पर भी हम गौर करते हैं। तो जो बीएड या डीएड विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनमें जो भी निर्णय है, चाहे डीएड का पक्ष हो बीएड का पक्ष हो, वो सुनने के बाद जो भी निर्णय आएगा उसके अधीन ही तो आपकी ज्वाइनिंग है दोस्तों, है ना। अब जो निर्णय आएगा उस पर आप एकदम से जंप कर गए और ये लगातार कह रहे हैं कि सर आउटकम लिखा है, आउटकम का मतलब ये है कि वो बाहर हो रहे हैं, ये नहीं है। आउटकम का मतलब है न्यायालय के आदेश का अंतिम परिणाम। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि अंतिम परिणाम जो आप चाह रहे हैं वो आपके फेवर में आएगा, और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो आपके फेवर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो माननीय हाईकोर्ट जो सुनवाई कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अभी जारी हुई है, क्योंकि पहले जो गाइडलाइंस जारी हुई थी उसके आधार पर एक कन्फ्यूजन जरूर हो गया था कि ये पुरानी भर्ती पर भी लागू होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको स्पष्ट कर दिया कि जब से वो ऑर्डर लागू हुआ है जो आने वाली भर्ती है उन पर वो लागू होगा और जो पुरानी भर्ती है उन पर वो लागू नहीं होगा। लेकिन विभिन्न न्यायालयों में जो भी केसेस चल रहे हैं उनका जो अंतिम परिणाम होगा उसके अधीन आपकी ये ज्वाइनिंग रहेगी दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट ये लाइन नहीं डालता आउटकम वाली तो जितने भी भारत में केसेस चल रहे हैं बीएड वो स्वतः ही खारिज हो जाते, तो वो अपने आप में ठीक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हाई कोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही है उसमें दोनों पक्षों को सुनकर जो तथ्य निकलेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार मिलाकर जो अंतिम आदेश जारी होगा वो सर्वमान्य होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी फैसला होगा वो आउटकम उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पर आप भ्रमित ये हो रहे हो कि फाइनल आउटकम को आप कुछ और ही समझ रहे हो। फाइनल आउटकम का मतलब होता है न्यायालय के अंतिम आदेश का परिणाम, है ना। अब वो क्या होगा बीएड के पक्ष में, डीएड के पक्ष में, डीएलएड के पक्ष में, वो आगे जो सुनवाई चलेगी उस पर निर्भर करेगा दोस्तों।
तो दो तीन चीज़ें स्पष्ट कर दूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हमने जजमेंट दिया है बीएड को लेकर वो आगे की भर्तियों पर लागू होगा, उससे पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ, विभिन्न हाई कोर्टों में जो केस चल रहे हैं उनका जो अंतिम परिणाम होगा उसके अधीन आपकी ज्वाइनिंग है और ये आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइंस दी है, ब्रिज कोर्स का एक कहा है कि ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है जिससे कि जो बीएड है वो वर्ग तीन को पढ़ाने के काबिल बने और जो वर्ग तीन इतना एक्सपीरियंस भी उन्हें हो जाएगा अनुभव पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है वर्ग तीन में अध्यापन करा रहे हैं। साथ में ये भी चीज़ देखी जा रही है कि जो एग्जाम हुआ था जिसमें डीएड बीएड बीएड डीएलएड वाले एक साथ बैठे हुए थे, उसमें मेरिट में बीएड वाले लाए हैं, तो जो एग्जाम क्रैक किया है वो बीएड वालों ने अपने नंबरों के आधार पर किया, उस आधार पर उनकी जो है ज्वाइनिंग वहाँ पर हुई। तो ये चार पांच फैक्टर काम करेंगे वहाँ पर, तो आप बहुत जल्दी जजमेंट पे पहुँचते हो, आउटकम लेकर आप सीधा जजमेंट पे पहुँच रहे हो। जजमेंट माननीय हाई कोर्ट को देना है और वहाँ तक आपको जो है पेशेंस रखने पड़ेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में सही है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत हैं। लेकिन अंतिम आदेश क्या रहेगा इस पे अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, वो जब आएगा तब फाइनल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो आपको स्पष्ट करती है कि उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है वो आगे की भर्तियों पर लागू होगा, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन जहां भी जो भी सुनवाई चल रही है बीएड को लेकर वो चलती रहेगी और जो भी अंतिम निर्णय होगा जिसे आप आउटकम कह रहे वो उस पर लागू हो जाएगा। इतनी सी बात है और इतनी सी बात के लिए आप इतने कमेंट करते हो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सारे जो जजमेंट होते हैं वो मैंने पढ़ रखे हैं और उसके आधार पर जो है मैं ये वीडियो लाता हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।